हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू स्क्वाट प्रॉपरली ताकि आप उसमें ज्यादा वेट उठा सके और कम इंजरी के चांसेस के साथ। तो स्क्वाट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है हाइपरट्रॉफी के लिए भी, जो कि कहना थोड़ा गलत होगा, पर यह हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्क्वाट प्रॉपरली। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्वाट्स करते टाइम कभी भी रनिंग शूज का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि रनिंग शूज का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। एक कुशनिंग इफेक्ट देते हैं उनका सोल, जो कि आपको नहीं चाहिए स्क्वाट करते टाइम। आप ऐसे फ्लैट शूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी चलेंगे। आप वेट लिफ्टिंग शूज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करे तो। वो आपको इनकी हील रेज्ड होती है, एंकल मोबिलिटी में भी फायदेमंद देंगे। या फिर आप नंगे पांव बेयर फुट भी आप स्क्वाट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी चीज कि जब भी आप वेट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो आपको इंजरी से नहीं बचाती है, वो आपको बस बेटर ब्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। तो अब बात करते हैं कि स्क्वाट्स कौन सी मसल्स काम करती है मेन तौर पे। तो काफी सारी मसल्स काम करती हैं स्क्वाट करते टाइम, पर जो प्राइम मूवर्स होते हैं वो होते हैं आपके क्वाड्स, आपके ग्लूट्स और आपके स्पाइन इरेक्टर्स वेट को होल्ड करने के लिए। तो आप स्क्वाट्स में नी एक्सटेंशन और हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं। आप नीचे बैठे हैं, ये नी एक्सटेंशन और ये हिप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें आप अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, आपकी ग्लूट्स, अगर आप 90 डिग्री से नीचे जाएंगे तो, अगर आप पैरेलली से ऊपर जाएंगे तो आपके ग्लूट्स कम काम करेंगे, और साथ ही में आपके स्पाइन इरेक्टर्स वेट को आइसोमेट्रिकली होल्ड करने के लिए ये तीन प्राइम मूवर्स आपके स्क्वाट्स में काम करते हैं। तो ये बात हो गई बेसिक्स की। अब आई है कि सेटअप की, आपको किस तरीके से सेटअप करना है और फिर स्क्वाट का एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है। तो स्क्वाट्स में भी हमारे पास दो वेरिएशन आते हैं, हाई बार स्क्वाट और लो बार स्क्वाट। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है लो बार, इसमें आप अपने बार को अपने रियर डेल्स के ऊपर रखते हैं ट्रैप से नीचे, और हाई बार में अपने ट्रैप्स के ऊपर। कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है दोनों में कि आपको एक ही जगह पे बार रखना है, जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो आप अपने बार को वहां रखिए। हाई बार स्क्वाट्स में आपकी बॉडी ज्यादा अपराइट पोजीशन में रहती है और ये नी डोमिनेंट होता है, और इसमें आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स ज्यादा काम करती हैं। और जबकि लो बार स्क्वाट में जो ज्यादातर पावर लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप इसमें ज्यादा ये वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, और ये हिप डोमिनेंट होता है, यानी इसमें आप अपने ग्लूट्स मसल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर ये ज्यादातर पावर लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप इसमें ज्यादा वेट उठा सकते हैं। पर नॉर्मल पीपल के लिए थोड़ा आपके लो बैक पे ज्यादा लोड कर सकता है, इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे हाई बार स्क्वाट की, क्योंकि यही ज्यादातर सही रहता है। तो बार को अपने ट्रैप्स पे प्लेस कीजिएगा जहां पर आपको कंफर्टेबल हो, आर्म्स को ज्यादा वाइड मत कीजिएगा, इससे अपर बॉडी टाइटनेस क्रिएट नहीं रहेगी। जितना हो सके कंफर्टेबली उतना अपने आर्म्स को क्लोज रखिए, एल्बोस पे ज्यादा वेट मत आने दीजिए, आगे मत कीजिए एल्बोस को। ऐसा सोचिएगा आपको एल्बोस से लैट्स को अपने टच करना है, और ऐसा करते टाइम अपनी बैक को आर्क मत कीजिएगा, आपको अपर बॉडी टाइटनेस क्रिएट करनी है न्यूट्रल पोजिशन में रहते हुए। तो ये थी बार प्लेसमेंट की बात। अब बात करते हैं स्क्वाट से पहले फुट प्लेसमेंट की। तो आपको बार के नीचे आना है, बार को लिफ्ट करना और तीन स्टेप लेने हैं, ताकि इसमें आप कम से कम एनर्जी वेस्ट करें और वो एनर्जी स्क्वाट करते टाइम इस्तेमाल कर सके। तो पहला मीडियम स्टेप, फिर दूसरा और तीसरा छोटा स्टेप स्क्वाट करने से पहले। और आपके स्टांस विड्थ की बात करें तो आपको शोल्डर विड्थ से थोड़ा खुले पांव रखने हैं, टोज बाहर की तरफ, और फिर स्क्वाट करना है। अगर आप ज्यादा पास में पांव रखेंगे तो भी आपको स्क्वाट करते टाइम दिक्कत होगी, और ज्यादा खुले रखेंगे तो भी। पर स्टांस की बात करें तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। तो ये थी स्क्वाट के सेटअप की बात। अब बारी है एग्जीक्यूशन की। तो अच्छे तरीके से बार प्लेसमेंट और फुट प्लेसमेंट करने के बाद आपको पहले ब्रेसिंग करनी है स्क्वाट करने से पहले। इसके बारे में अपनी पहली वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूं, वो देख लीजिए, लिंक बायो में है। पर दोबारा बताता हूं कि आपको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करना स्क्वाट करने से पहले, यानी अगर आप देखें मैं किस तरीके से अपने स्टमक में प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, ताकि मेरी स्पाइन स्टेबलाइज रहे और मैं ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकूं। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए अगर आपको इंजरी से बचे रहना है और ज्यादा वेट के साथ ट्रेन करना है। तो पहले प्रेशर क्रिएट करना है, फिर स्क्वाट, और फिर रिलीज करना है प्रेशर, और हर बार रीसेट करना है इसे। और अच्छे तरीके से ब्रेसिंग करने से आपकी फॉर्म भी बेटर होती है। तो स्क्वाट एक कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें माइंड मसल कनेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका गोल होना चाहिए ज्यादा वेट और अच्छी फॉर्म, और स्क्वाट में आपके नीज और हिप्स एक साथ मुड़ेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि पहले हिप्स पीछे की तरफ जाने चाहिए, जो कि गलत है। आपके नीज और हिप्स एक साथ मुड़ेंगे और नीज आगे की तरफ जाने चाहिए और हिप्स नीचे की तरफ। और अगर आप साइड में से देखेंगे तो वेट एक सीधी लाइन में नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, और आपकी गर्दन एक न्यूट्रल पोजिशन में रहेगी।
और लोगों के बीच में एक और कॉमन मिथ है कि आपके नीज टोस से आगे नहीं जा सकते, जो कि बिल्कुल गलत है, बल्कि आपके नीज टोस से आगे जाने चाहिए अगर आपको अच्छे तरीके से स्क्वाट करना है तो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इंजरी के चांसेस बल्कि ज्यादा हैं, क्योंकि उससे आपके स्पाइन पे ज्यादा लोड आएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्क्वाट को एक डेडलिफ्ट पैटर्न में चेंज करें, एक हिंज पैटर्न में। ये लोग काफी कॉमन तरीके से करते हैं कि डेडलिफ्ट को स्क्वाट बनाते हैं और स्क्वाट को डेडलिफ्ट बनाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो आपके हिप्स नीचे आएंगे ना कि पीछे की तरफ। पर ऐसा करते टाइम एक और लोग गलतियां करते हैं, वो बट विंग करते हैं, यानी किस तरीके से मेरे हिप्स रोटेट कर रहे हैं इस पोजीशन में, जिससे कि आपकी स्पाइन फ्लेक्स हो रही है और ज्यादा लोड आपके स्पाइन पे आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत बट विंग चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके लिए आप एक और कर सकते हैं एक ट्रिक, कि आप पहले स्क्वाट पोजीशन में जाइए और फिर ऊपर उठिए और देखिए कि किस पोजीशन पे आपका बट विंग नहीं रहता है, यानी इस पोजीशन पे मेरा बट विंग नहीं है और आपको इस यहाँ तक स्क्वाट करना है। अगर मैं इससे नीचे जाऊँगा तो मेरे बट विंग आएगा, तो आपको इस पोजीशन तक पहले स्क्वाट करना है। अगर आप अच्छी तरीके से ब्रेसिंग करेंगे वो भी आपके बट विंग में मदद करेगा। और एक और कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो है नी वालगस। इसका एक रीजन हो सकता है कि आप ज्यादा खुले पांव रख रहे हैं, या फिर आपके हिप्स और ग्लूट्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके लिए आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नी वालगस से कोई चिंता की बात नहीं है। एक और कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि वेट अपने चाहे तो एडी पे ज्यादा रखते हैं या फिर अपने पंजों पे ज्यादा रखते हैं, जिससे कि वो बैलेंस नहीं बना पाते अच्छे तरीके से। तो आपका वेट, आपकी एडी, आपके अंगूठे, आपके पाँव के अंगूठे और आपके पाँव की सबसे छोटी उंगली पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इन तीनों जगहों से आपको इक्वली फोर्स प्रोड्यूस करनी है, ना ही अपने हील्स पे ज्यादा रहना है और ना ही अपने पंजों पे। और बार पे जो वेट है उसकी फोर्स बिल्कुल आपके पाँव के बीच में आएगी। तो बार को स्क्वाट रैक से लिफ्ट करके 3 स्टेप पीछे लिए और फिर आपके इक्वली आपके तीनों जगह पे, यानी आपकी एडी, आपके पाँव के अंगूठे और पाँव के सबसे छोटी उंगली पे इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर आपको नीचे जाना है और आपके नीज टोस से आगे जा सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ मैं, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से स्क्वाट करना है। तो बार को स्क्वाट रैक से उठाया, 3 स्टेप पीछे लिए, कम एनर्जी वेस्ट हो, अपर बॉडी टाइट, ब्रेसिंग की, स्टमक में प्रेशर क्रिएट किया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और फिर स्क्वाट किया, नीज फॉरवर्ड, एकदम नीचे डाइव नहीं करना है, अपर बॉडी टाइट, ब्रेस किया, स्क्वाट, और हर रेपिटेशन के साथ ब्रेसिंग रीसेट करनी है। और आपको स्क्वाट टेक्निक को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो होती हाउ टू स्क्वाट प्रॉपरली। और एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखें कि कोई भी परफेक्ट फॉर्म नहीं होती स्क्वाट्स के लिए, यानी इसका मतलब कि दो लोग सेम अच्छी फॉर्म के साथ स्क्वाट कर रहे हैं पर उनकी फॉर्म देखने में काफी अलग हो सकती है उनके बायोमैकेनिक्स और उनके लेवरेजेस की वजह से। इसीलिए कोई भी परफेक्ट फॉर्म नहीं होती स्क्वाट्स की जो सभी लोगों पे अप्लाई की जा सके। उनके लेवरेजेस और उनके बायोमैकेनिक्स, किसी के एंकल मोबिलिटी की वजह से वो क्या पता है उस तरीके स्क्वाट ना कर पाए जिसकी एंकल मोबिलिटी ज्यादा है, किसी के फीमर की बोन ज्यादा है तो वो ज्यादा लो बार स्क्वाट की तरह स्क्वाट करेगा। तो इसलिए कोई भी परफेक्ट फॉर्म नहीं होती जो सभी लोगों पे अप्लाई की जा सके। पर इस वीडियो में मैंने बताया कि जो मेन चीज है जो स्क्वाट के लिए, जैसे कि उसे डेडलिफ्ट पैटर्न में चेंज नहीं करना है, स्क्वाट को स्क्वाट के तरीके से परफॉर्म करना, और ऐसी मेन चीजें मैंने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी है जो कि आपको करनी चाहिए। पर आपकी फॉर्म क्या पता आप मेरी तरह फॉर्म करने की कोशिश करें पर उस तरीके से आप कभी भी स्क्वाट ना कर पाए, तो आप अपने बॉडी के हिसाब से आप देखिए कि आप किस तरीके से स्क्वाट कर रहे हैं। बस यही था इस वीडियो में, मैंने यही बताने की कोशिश करी कि आपको किन मेन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए स्क्वाट करते टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स में आपके सजेशन बताना अगली वीडियो के लिए, या फिर आप किस वीडियो पर किस टॉपिक पे चाहते हैं, और चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।